वहीं कोविड काल में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के बावजूद भी इस साल सरकारी खजाने पर लक्ष्मी की कृपा जबरदस्त रही है। दरअसल सरकार को 2021-22 में उम्मीद से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की कमर टूट गई है, लेकिन सरकारी खजाना लगातार भर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के सामने आए आंकड़ों में राज्य सरकार के राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि कोविड की दूसरी और तीसरी लहर इसी वित्तीय वर्ष में आई थी। आपको बता दें कि जीएसटी का टारगेट 21,600 करोड़ का था, लेकिन राजस्व की प्राप्ति 22,206 करोड़ की हुई है। नॉन जीएसटी का टारगेट 16,540 करोड़ का था, लेकिन राजस्व की प्राप्ति 17,745 करोड़ की हुई है। पंजीयन का टारगेट 7,400 करोड़ का था, लेकिन राजस्व की प्राप्ति 8,136 करोड़ की हुई है। वहीं आबकारी विभाग का टारगेट 10,340 करोड़ का था, लेकिन राजस्व की प्राप्ति 10,386 करोड़ रुपए की हुई है। कर देने में भी बहुत आगे बढ़कर के ये सब काम किया है, सरकार की पूरी एक तरह से मदद की है, इसलिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद भी और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये अच्छी प्रवृत्ति है, क्योंकि जब तक सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा तब तक सरकार भी ये सारे जो विकास के काम है, जन कल्याणकारी योजनाओं के काम है, वो संभव नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर रहेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। वहीं ज्यादा राजस्व मिलने पर भी कांग्रेस सियासत करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का कहना है कि जनता पर बोझ डालकर सरकार अपना खजाना भर रही है। कोरोना काल में 2 महीने जनता कर्फ्यू के बावजूद भी सरकार का राजस्व बढ़ा है। ऐसे में जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था में सुधार का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।